हम इस समय मौजूद हैं किसनी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद है संभावित प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रभुदयाल जाटव जी, उनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में आए हैं और क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी और वो जनता उन्हें चुनाव जिताकर भेजती है। प्रभुदयाल जी, दस्तक टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रभुदयाल जी, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, अवैध किला है किसनी विधानसभा, किस तरीके से देखते हैं आप इस विधानसभा को? इस विधानसभा को मैं देख रहा हूँ कि जब से यहाँ समाजवादी पार्टी बनी है, जब से समाजवादी पार्टी ही जीतती आई है और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर प्रत्याशियों को टिकट देती आई है, जैसे ही वो थोड़ा ऊपर उभरते हैं उनकी टिकट काट के दूसरे को दे दिया जाता है और वो लोग क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं करते। कोई भी प्रत्याशी आता है, जैसे ही उनका विरोध होने लगता है वो बदल देते हैं। और इस क्षेत्र में बहुत हर जाति के जो लोग हैं, कमज़ोर किस्म के लोग हैं, हर समाज के लोग, तो यहाँ समाजवादी पार्टी के दबंग लोग हैं और उनसे ज़बरदस्ती वोट डलवा लेते हैं, उनको प्रभाव में लेके इसलिए डलते हैं। उसका कारण यही रहता है कि यहाँ अभी तक कोई भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया, बीएसपी से भी और अन्य बीजेपी से भी जो प्रत्याशी कोई भी आया, यहाँ का लोकल का कोई नहीं होता, बाहर से प्रत्याशी थोपे जाते हैं, आए चुनाव लड़े चले गए, पब्लिक के बीच में रहते नहीं हैं। तो ये समाजवादी पार्टी थोड़ी प्रभाव है, यहाँ इनका नज़दीक है इसलिए लोग दबाव में आके वोट उनको डालते रहे, मगर अब इस बार होगा नहीं ऐसा। इस बार माननीय बहन जी ने हम पे पूरा भरोसा कराया कि यहाँ के हम लोकल हैं और हम यहाँ के लोगों को सबको जानते हैं, तो यहाँ अब ऐसा समस्या होने नहीं देंगे। प्रभुदयाल जी, कभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, ऐसे में क्या देखते हैं इस बार, क्या समीकरण बनते हैं, क्या कैसे आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल है? मैनपुरी में पहले हमारी गिरोह से हमने दो बार चुनाव जीता और इस सीट पे 2007 में हम 2900 वोटों से आ रहे थे, उससे पहले 2600 वोटों से आ रहे थे, तो थोड़े थोड़े वोटों से रह गए हम। उसका कारण यही रहा कि प्रत्याशी बाहर के आया हुआ था, नहीं तो मुकाबले में तो हमेशा हम ही रहते, बीजेपी तो यहाँ नज़र ही नहीं आती और हम पूरे मुकाबले में रहते हैं और हम लगे हुए क्षेत्र में जाते हैं, लोग इतने त्रस्त हैं बीजेपी के, तो महंगाई से त्रस्त है, गुंडागर्दी से त्रस्त है, हर चीज़ से बीजेपी से त्रस्त, जो गायें और सांड इन्होंने छोड़ रखे उससे पब्लिक किसान बहुत परेशान है और इनकी सपा की गुंडे से बहुत परेशान है, इन लोगों की लूट से बहुत परेशान है। तो इस बार लोग पूरा बहन जी पे भरोसा कर रहे हैं और भरोसा करके इस बार पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन रही है और यहाँ से बहुत अच्छे मतों से विजयी होके आएंगे। प्रभुदयाल जी, अभी समाजवादी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट घोषित नहीं किया है जबकि भाजपा ने अपना आंसू दिवाकर के रूप में कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी ने यहाँ लोगों को लॉलीपॉप दे रखा है, सबको कह दिया हम टिकट बांटेंगे और 22-22 लोगों को यहाँ पर टिकट के लिए लगा रखा है प्रचार के लिए, मगर अब चूँकि जहाँ तक हमें संभव है कि ब्रजेश की ही टिकट होगी, चाहे ब्रजेश की हो चाहे किसी की भी हो, मगर अब ऐसे कोई भी लोग नहीं जो जनता के बीच में जा रहा हो, कोई भी लोग किसी समाज का काम ही नहीं कर रहा। यहाँ अगर किसी लोगों का काम होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका होता है जिनका सहपाई से ताल्लुक है, बाकी समाज का किसी भी समाज का काम ही नहीं कोई होता, ना कर पाते हैं, लोग डरे हुए। प्रभुदयाल जी, एक बात बताइए, आप जनता के बीच जाते हैं जब कैंपेनिंग कर रहे हैं तो किस तरीके की समस्याएं यहाँ की जनता आपको बताती है? सबसे ज़्यादा पहली समस्या तो यहाँ लोगों की किसानों की है, इतनी महंगाई कर रखी, कोई DAP वगैरह कोई भी चीज़ उनको टाइम से नहीं मिलती, ऊपर से जो गाय और सांड उन्होंने छोड़ रखे इससे सारी खेती का उजाड़ होता है, ऊपर से जो कानून व्यवस्था है उसका बहुत बुरा हाल है, कानून व्यवस्था से लोग इतने परेशान हैं कि कोई उनकी FIR नहीं, कोई मामला हो जाए FIR नहीं लिखी जाती है, जब तक ऊपर से बात नहीं कर ली जाती है दबंगी लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो मतलब हर तरह के महंगाई से भी त्रस्त है, रोजगार से, रोजगार नहीं है लोगों के पास, बहुत यहाँ कमज़ोर लोग हैं रोजगार वगैरह, तो हर समस्याओं से ही हम परेशान हैं, लोगों की कोई मूल सुविधाएँ नहीं है, हम जाते हैं रास्ते भी ख़राब है। अभी एक गाँव में बहुत जाटवों का ही गाँव है एक रतनपुर, वहाँ उन्होंने झंडे भी लगा दिए, वहाँ लोग जाते रास्ते ही नहीं बना रहे, ये सिर्फ अपने लोगों के लिए काम किया जहाँ इनके बहुत वैसे लोग, बाकी गरीब लोगों के लिए कहीं कोई काम ही नहीं होता। और हमें देखे लोग इतने खुश हो रहे हैं कि यहाँ के लोकल के आ रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, हमने ये फिशरी का फार्म वगैरह बनाया हुआ है यहाँ, आगे हम फीड मिल भी लगा रहे हैं, आगे हम और योजना जो गन्ने वगैरह के लिए क्लेसर वगैरह लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ की जो जनता के लिए बहुत सारे रोजगारों की योजना यहाँ हम लगाने वाले हैं और उनको देने वाले हैं, तो इसलिए लोग हमारे में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हमें देख के, और हमारे साथ ही सारी जनताओं का पूरा विश्वास है कि वो हमें वोट देके और हमारे साथ रहेंगे, और उनका पूरे हम जहाँ भी जाते हैं, हम एक लोग को बुलाते हैं 10 आ जाते हैं, कह रहे भाई साहब आइए, बहुत हमारा स्वागत करते हैं हर जगह, और हर जगह से हमारे को पूरी उम्मीद, हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, इस बार उनका सबने कसम खा रखी है कि इस बार हमें वो जिता के ही भेजेंगे।
ये थे प्रभुदयाल जाटव जी संभावित प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के। इन्होंने दस्तक टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि जनता उनके साथ है, अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, वो तो 10 मार्च ही बताएगी। दस्तक टीवी के लिए अक्षय आर्यन।